हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को लर्न इंडिया ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। हम आप लोगों को झारखंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र उड़ान जो बुक है उसकी करा रहे थे। ठीक, तो आज से मैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं झारखंड के, वो मैं सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आगे चलते हैं। देखिए, यही बुक मैं करा रहा हूँ, झारखंड वस्तुनिष्ठ, झारखंड सार संग्रह। ये इसमें 95 सेट्स हैं और मैं बहुत जल्द इसको पूरा करने वाला हूँ। कोशिश करता हूँ कि 3-4 सेट्स दे ही दूँ एक दिन में। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। ये मेरा चैनल है लर्न इंडिया ऑफिशियल, तो दोस्तों इसे आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और कमेंट में बताएं कि कैसी रही वीडियो। चलिए, और ये सभी के लिए अपने माँ के चरणों में समर्पित हमारी पढ़ाई, माँ के सपनों को पूरा करने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन कराते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यह है जेपीएससी 2003 में, ठीक, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके लिए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? महाभारत में झारखंड को पुंडरिक नाम से जाना जाता था, पुंडरिक नाम से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टू में बोल रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति है, कौन सी जनजाति है? सब सभी को पता है कि संथाल जो है ये सबसे बड़ी जनजाति है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। 3 में बोल रहा है, लोकसभा में झारखंड को कुल कितनी सीटें प्राप्त हैं? लोकसभा में झारखंड को कुल 14 सीट प्राप्त है। ठीक, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। 4 चलते हैं। बोल रहा है कि झारखंड में पाइका क्या है? तो पाइका क्या है झारखंड में दोस्तों? तो ये हो जाएगा एक नृत्य है, नृत्य है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें बोल रहा है खरवार आंदोलन कब हुआ, यानी खरवार आंदोलन कब हुआ था? तो खरवार आंदोलन 1874 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, मतलब आप पढ़ लेंगे पूरा झारखंड जीएस ना, तो लगेगा कि बहुत कुछ हम जानते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। संथाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कानू, चांद भैरव, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो चारों भाई हैं, ठीक, सिद्धू कानू, चांद भैरव, ये सभी भाई हैं, तो सभी मिल करके संथाल आंदोलन का नेतृत्व किए थे। ओके दोस्तों, सी सही होगा, करेक्ट। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 7 है कि झारखंड में आदिवासी समुदायों का कुल संख्या 32 है, इनमें से अधिकतर जनजातियाँ किस प्रजाति की हैं? हम जानते हैं कि झारखंड में कुल 32 जनजातियाँ हैं, तो इसमें बोल रहा है कि अधिकतर जनजातियाँ जो हैं किस में हैं, किस प्रजाति की हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड करेक्ट हो।
अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में बोल रहा है, निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है, मेल करना अभयारण्य के साथ जो डिस्ट्रिक्ट है उसको मेल करना है। ठीक, तो महुआ टाँड़ अभयारण्य पलामू में, दुपचाची अभयारण्य धनबाद में, उधवा पक्षी विहार कोडरमा, लावालौंग अभयारण्य ये क्या हो जाएगा आपका चतरा में। तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा, सॉरी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर अभी कंफर्म नहीं पता है क्योंकि बुक में भी वैसा कुछ दिया नहीं है। इसको जिस आगे चलते हैं छोड़ दे रहे हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर जो जेपीएससी है ना वो भी इसका आंसर मतलब कंफर्म रूप से नहीं दिया गया, इसीलिए इसको अभी छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, झारखंड के निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ललित मोहन जो है एक निवासी है झारखंड के, तो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो ये चित्रकारी से जुड़ा हुआ है। किसे, चित्रकारी से, तो सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 10 में दिया गया है, झारखंड की कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्य से लगी हुई है। कृषि कार्य से कितने प्रतिशत जो लगी हुई है, तो 86.26% जो है वो कृषि कार्य से लगी हुई, यानी वाह बहुत ज़्यादा। चलिए आगे चलते हैं। अब एक दिया है क्वेश्चन, झारखंड का राजकीय फूल क्या है। कितना आसान आसान क्वेश्चन देता है। 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लास। ओके दोस्तों, 12 चलते हैं। इसमें अभी संथाल विद्रोह आंदोलन पढ़ रहे थे और यहाँ इसका काल पूछ दिया यानी समय क्या था। ठीक, कब हुआ था, कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 1855 से 56 में संथाल आंदोलन। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, सिद्धू कानू चांद भैरव, चारों भाई। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें बोल रहा है, अभी क्वेश्चन तो कराएं, निम्नांकित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेतृत्व नेता था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, तो मुंडा विद्रोह का नेता खुद पता चल जा रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंडा बिरसा मुंडा। आगे 14 में दिया है, इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है। झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती कौन सी जनजाति है, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिरहोर जनजाति है जो सिर्फ झारखंड में ही पाई जाती है और कोई भी स्टेट में नहीं पाई जाती है। एक क्वेश्चन है कि देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, किसने करवाया था। हम सभी जानते हैं ये क्वेश्चन, पूरनमल जो राजा था पूरनमल उन्होंने करवाया था। आगे चलते हैं, दुमका का हिजला मेला, दुमका जो जिला है वहाँ हिजला मेला लगता है, किस नदी के किनारे लगता है। वह नदी जो है कौन सी नदी है जहाँ हिजला मेला लगता है दुमका में, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये मयूराक्षी नदी। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, दो क्वेश्चन और बचा हुआ इसमें। इसमें है कि झारखंड में अदरक का सबसे अधिक उत्पादन होता है। सभी जानते हैं कि अदरक का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, झारखंड में। स्थानीय भाषा में उसे क्या बोलते हैं यानी इधर क्या बोला जाता है, इसको भी तो सभी को जानते हैं ना, ये रूबी बोला जाता है, रूबी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट 18 बचा, 18 में दिया गया है कि झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो हम भी जानते हैं सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, नेत्रहाट है, नेत्रहाट सबसे ठंडा स्थान। तो दोस्तों ये जेपीएससी 2003 का ख़त्म हुआ और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये आपका है
बाजार पर्यवेक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2007 ऐसे करके दिया गया है, ये भी यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हम लेंगे। ठीक, तो चलिए आगे कराते हैं। शंख, शंख नदी का उद्गम स्थल है, शंख नदी कहाँ उद्गम स्थल कहाँ है? तो शंख नदी का उद्गम स्थल आपका गुमला में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन ऑप्शन ये चलते हैं, टू। टू में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? हम जानते हैं कि ये जो मान के चलिए ये आपका ऐसे झारखंड है, तो उत्तर में ये बिहार हो गया, इधर पूरब में पश्चिम बंगाल हो गया, दक्षिण में उड़ीसा हो गया, और इधर उत्तर उत्तर में जो पश्चिम में हो गया उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश तो नहीं है ये, तो हम मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मध्य प्रदेश। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें दिया है मलेर किससे संबंधित है, मलेर किससे संबंधित है? तो मलेर सोहरिया पहाड़िया से संबंधित है, सोरिया पहाड़िया से, मलेर जो है किससे है? सोरिया पहाड़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है मैथान डैम, मैथेन या मैथेन बोला है लेकिन वैसे जनरली मैथान डैम बोला जाता है। तो कहता है मैथान डैम कब एवं किस नदी पर बना हुआ है, कब और किस नदी पर बना हुआ है मैथान डैम? तो दोस्तों ये ब्राकर नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और कब बना हुआ है? 1958 ईस्वी में, याद रखना दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट के रूप में है, यानी जो भी पूछा गया प्रीवियस ईयर नहीं इम्पोर्टेंट है, तभी तो पूछा गया है। चलिए आगे दिया है कि 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? आबादी यानी 2001 की जनगणना जिसमें हुई थी उसमें कौन सही हुई थी, मतलब ये ऑप्शन दिया गया कितनी जनगणना लगभग होगी यही। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 2 करोड़, 2 करोड़ और 69 लाख, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें बोल रहा है झारखंड का सर्वाधिक गर्म जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है कहाँ स्थित है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट के रूप में, तो ये हजारीबाग में है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि झारखंड में वन क्षेत्र प्रतिशत इसके कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ये जो है आयोग ही इसका आंसर करेक्ट नहीं दे पाई है। ठीक, लेकिन अप्रोक्स मान सकते हैं ये 29.02%। ओके दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। 8 में दिया गया है कि किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है, किरिंग बापला जो है किस आदिवासी से संबंधित है? बापला ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये संथाल से संबंधित है, संथाल जो आदिवासी हैं उसे संबंधित है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ है कि झूम किससे संबंधित है, पहाड़िया, संथाल, बैगा, थारू? ठीक, तो झूम जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहाड़िया से संबंधित है, किससे? पहाड़िया से, ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। जिसमें दिया है बिरसा मुंडा का जन्म सभी कोई जानते हैं, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था इसको बताने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 नवंबर 1875 ईस्वी को, सी करेक्ट। ये हो जाए बोल रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात, तो देखिए यहाँ दिया है 2001 क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया 2007 में, इसलिए हम लोग को इस तरह का क्वेश्चन जो याद करना है ये 2011 का करना है। ओके दोस्तों, तो ये इसका आंसर 11 का जो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी, ठीक, 941 लिंगानुपात उसमें 941 था, इसको याद नहीं करना है क्योंकि ये बहुत पुराना है। इसमें दिया है कि अंधी और अरोपो रतिपी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है? अंधी और ओपो रतिपी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा हो से, हो जो जनजाति है उससे हैं अंधी और औरो, ये हो का किसी तरह का विवाह मतलब प्रचलित हैं किसमें, हो में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें दे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ये, ठीक, 2.42%। ओके दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है, कितने प्रतिशत भूमि का कृषि के रूप में उपयोग होता है, तो ये हो जाएगा आपका ये 23% जो है कृषि के रूप में यूज होता है झारखंड में, प्रयोग होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें बोल रहा है घूम कुड़िया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? घूम कुड़िया जो है किस जनजाति से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उराव जनजाति से, किससे, उराव जनजाति से। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर, ये भी क्वेश्चन नहीं याद करना है, अपना करंट के बेसिस पे याद करना है। 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड के कुल आबादी में जनजातीय आबादी प्रतिशत, उसमें 2001 में जो है जनगणना के अनुसार जनजातीय आबादी प्रतिशत कितनी थी, ठीक, तो ये 26.33% उस समय थी, लेकिन अभी तो करंट देखना पड़ेगा, इसको आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि कितना प्रतिशत है 2011 के जनगणना के अनुसार। ओके दोस्तों, और ये 17 क्वेश्चन नंबर है, बोल रहा है कि झारखंड रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है? रूबी श्रेणी का जो होता है ये गिरिडीह और कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में होता है, गिरिडीह और कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में ये रूबी श्रेणी का होता है, कहाँ, झारखंड में उत्पादन होती है, ठीक, झारखंड के गिरिडीह और कोडरमा में। और ये मेरे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन है लास्ट, उसके बाद ये खत्म होगी। इसमें दे रहा है वर्तमान में झारखंड का कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? ये भी प्रीवियस ईयर है, तो आपको ये भी कमेंट के माध्यम से बताना है कि कृषि श्रमिक प्रतिशत कितना है, तो इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेकिन आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है। दोस्तों, ये दो सेट मैंने इसका करवाए, इसी तरह से मैं पूरा ख़त्म करूँगा, प्रीवियस ईयर भी और हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, और जितने हैं पॉलिटी वगैरह, जितने सारे बुक्स को पूरा कंप्लीट करूँगा। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे और मुझसे कुछ मिल रहा है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और पूरा का पूरा मैं करा सकूं। आप लोगों को लास्ट में फिर वेलकम है लर्न इंडिया ऑफिशियल चैनल में। थैंक यू दोस्तों।